राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साल 2021 में शादी की थी। दोनों की शादी की कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक वीडियोस जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया था वो था जब पत्रलेखा ने राजकुमार के सिंदूर भरा था, जो आमतौर पर लड़का लड़की की मांग भरता है। अब राजकुमार ने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बरखा दत्त से बात करते हुए राजकुमार ने कहा, मुझे लगा कि क्यों सिर्फ वो ही सिंदूर लगाए या मंगलसूत्र या फिर चूड़ा पहने। मुझे लगा उन्हें इतना कुछ करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सिर्फ रिंग पहना हुआ था। मैंने पत्रलेखा को कहा कि मुझे तुम भी सिंदूर लगा दो, ये बराबरी में होना चाहिए। राजकुमार ने फिर पत्रलेखा के रिएक्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे लगा उन्हें अच्छा लगा। वो मोमेंट बाद में बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उस समय हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस चीज ने कई लोगों का दिल छुआ। अपने फेरों को लेकर राजकुमार ने कहा, हमारे फेरों के दौरान भी हम जानना चाहते थे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। हमने उनसे हर मंत्र का मतलब पूछा। हम कुछ वचन से कंफर्टेबल नहीं थे जो पत्रलेखा को लेने थे। जैसे एक वचन था कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकती, और मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वैलिड ही नहीं है। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।